2020 कोविड-19 2020, इसका मतलब जो कोरोना वायरस 2019 में स्टार्ट हुआ, अभी 2020 आ गया, तो इस कोविड-19 पैनेडिक सिचुएशन में एक ऐसा टेक्निकल चीज है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज्यादा डे बाय डे इम्प्रूव करता जा रहा, एक ऐसा चीज है जो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा, वो क्या चीज है, जहां पे बहुत बड़ा एक रिस्क आने वाला है, ठीक है, तो वो चीज है आपका ग्लोबल कंज्यूमर क्लाउड स्टोरेज मार्केट, ग्लोबल कंज्यूमर क्लाउड स्टोरेज मार्केट। जी हाँ, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हर प्लेटफॉर्म का डेटाबेस ग्लोबल क्लाउड स्टोरेज पे जाके स्टोर होता है। आप सभी को मैं बता दूं, सिंपली आपका जो व्हाट्सएप है, आपका फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, या ऑनलाइन आप जो भी काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक क्लाउड स्टोरेज बेस्ड स्टोरेज सिस्टम में स्टोर होता है। मे बी आपको आइडिया होगा इस चीज का। तो क्लाउड स्टोरेज में जब वो स्टोर होता है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि आज के डेट में जो ऑनलाइन इतना सारा प्लेटफॉर्म आ जाने के बाद सारा चीज का स्टोरेज कैपेसिटी को इम्प्रूव करना पड़ रहा है डे बाय डे में। तो यहाँ पे कुछ ऐसे की रोल प्लेयर है जो इस चीज में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें एक है एप्पल, दूसरा आपका गूगल बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, या माइक्रोसॉफ्ट, सिंक हो गए, हटराई होगा, ये सब जो मेन रोल की प्लेयर है इस ग्लोबल क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म में, जो कि स्पेशल क्लाउड फीचर आप हम सभी कंज्यूमर यानी कस्टमर को देने का काम करता है, ऑनलाइन सर्विस का काम करता है। तो यहाँ पे होने वाला है ये स्टोरेज फुल, और स्टोरेज को बढ़ाया जा रहा है 2025 तक। ऐसा सिचुएशन माना जा रहा है कि ग्लोबल कंज्यूमर क्लाउड स्टोरेज मार्केट जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव करने वाला है इस पैनेडिक सिचुएशन के वजह से। ऑनलाइन में जो प्लेटफॉर्म में इतना बदलाव हुआ, ये बहुत ज्यादा इंप्रूव। तो आप अपना पर्सनल डेटा, आपका जो पर्सनल डेटा है क्लाउड डेटाबेस में, आप उसको बचा लो, यानी जितने भी डेटा है आप उसको स्टोर कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे एक पे प्लान स्टार्ट कर दिया जाए क्लाउड पे डेटा स्टोर करने के लिए। 2025 तक ये बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाला। तो कंपनी अपने तरफ से ट्राई कर रही है, आप भी ट्राई कर लो कि जितने भी आपके डेटा है कोशिश करो इंपॉर्टेंट डेटा को क्लाउड में स्टोर करने का, गूगल बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, या फिर आप सिंपली अपने जीमेल में ही एज ए गूगल ड्राइव में जाकर के स्टोर करके रखते हैं, तो उसको स्टोरेज को और बढ़ाओ और वहां पे इंप्लीमेंट करो, अपने डेटा को वहां पे बचा लो। सिंपली बता देता हूं तो आपको, ग्लोबल कंज्यूमर जो है वो डे बाय डे इंप्रूव कर रहा, हर दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टोरेज फुल हो रहा, हर दिन कुछ ना कुछ डेटा आ रहा, हर दिन बिलियंस ऑफ यूजर्स डेटा को अपलोडिंग में लगे हुए, हर दिन यूट्यूब पे पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ डेटा स्टोर होता है, जाके इकट्ठा हो रहा। तो आप सोच सकते हो ग्लोबल कंज्यूमर जो स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज मार्केट है ये कितने ग्रो करने वाले है। आपको तो पता है पैनेडिक सिचुएशन में हमारा जो निफ्टी है, सेंसेक्स है, ऑलरेडी अप पे जा चुका है, टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा अप हो चुका है, यहाँ पे बाजार जो है बहुत आगे जा चुके हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इस स्टोरेज मार्केट में आपको अपना डेटा बचाना, जो इम्पोर्टेंट डेटा आपको, जी हाँ। तो आप क्या करो, गूगल ड्राइव, जितने भी बैकअप ड्राइव का फीचर आप यूज करो, अभी उसको इस्तेमाल करो, अपने इम्पोर्टेंट डेटा को वहां पे सेव करो, वहां पे सिक्योर करो, ड्रॉप बॉक्स में डालो, क्लाउड बॉक्स में डालो, जितने भी इम्पोर्टेंट ड्राइव है वहां पे स्टोर करने के लिए स्टार्ट कर दो। ओके फ्रेंड्स, इस न्यूज को, इस इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करो लोगों के साथ, ताकि वो भी अपने पर्सनल डेटा को बचा सके। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब।